जिंदगी नाम जमा करूंगा टेंगे टेंगे। तो जिंदगी में एक भाई आपके काम के लिए लड़ेगा, एक भाई आपके विकास के लिए लड़ेगा, एक भाई आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेगा और एक आपके मनोरंजन के लिए लड़ेगा। हम किसी समय को खाली अब नहीं रहने देंगे, क्योंकि पहले जिसके पास अपना कोई पावर नहीं उसको पूरी दुनिया पावर स्टार का नाम से जाने लगी। इनके पास अपना कुछ नहीं है। हम आज भी कपड़े पहनते हैं ना तो लोग खरीद के दे देते हैं, भाई हमारा पैसा खर्चा होता ही नहीं है। सेल्फी सेल्फी ले लो। देखिए अब आपकी सेल्फी पे एक बात आ गया, जिंदगी में कभी किसी से सेल्फी मत खींचवाओ, खुद को इतना बड़ा करो कि तुम्हारे पास दुनिया है सेल्फी। ये आदमी एक छोटे से गांव से निकलकर आया और पूरे दुनिया में पावर स्टार के नाम से जाना जाता है, एक लीडी बेचने वाला पूरे दुनिया में ट्रेंडिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी ताकत नहीं। आज पवन सिंह थे ऐसे आराम, गाड़ी घोड़ा एसी, क्या कमी है इस आदमी को धूप में मरने के लिए। लेकिन ये आदमी मर रहा है कि आपके विकास के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। हमें 12 नंबर का जो चुनाव चिन्ह है जिसका नाम पंचायत जानकर पंचायत का खाली मिला हुआ जाना जाना भैया तांडव करने वाले लोग काम पे हटा रहे थे। इस जिंदगी में हर आदमी के शरीर पे जितने भी कपड़े हैं ना किसी न किसी कैंची का देन ही है, इसीलिए जितने भी रद्दी चीजें हैं उसको काट को हटाने के लिए पवन सिंह को ये चीज मिली है। अब चला दो जब हमारा जितना भी हो जाएगी बड़ी अब की तरह लोग कहूँ नेता के वोट नहीं खेले बेटा की देवर के देखे देगा, ताकि अब की होली आई तो हम यही जी होली खेले। आवाज भाई का आवाज ए बाबू तन बोलने बड़े खेसरिया कैला से थोड़ी जीत गई है, पहला ही जीत हाथ दे रहा है तू नहीं कर गया। ये तो खेसारी का प्यार है, ये बोले कि भाई आई में नया जो तुरा के लोग बड़ा प्यार करेगा। हम कहने की भैया जहां पर भाई का आदेश हो तो मैं ही नहीं, मेरा इतना समाज आपके साथ है, जो प्यार इन्होंने मुझे दिया है मैं आज जिंदगी में जो कुछ भी हूँ ये हकीकत है। ये आदमी जब पाता है ना तो निराशा खेल जाता है। इस आदमी के लायके का मैं आज ही नहीं, जब भी हमने के लोगों को जान तरह का है नहीं ले सकता हमने के ताकि तू लोग जागरूक रहो। हमने हमने के लड़ाई एक दूसरे से बढ़िया भी देखा भाई, और ये जब मिलते हैं ये मेरे बड़े भाई यही का पाँव मेरा छोटा कर्तव्य है आशीर्वाद देना इनका कर्तव्य है। लेकिन आज इस छोटे भाई को आप सबको उपहार दे रहे हैं क्योंकि यहाँ का सांसद बात नहीं करता। तब तक जात के पीछे अपने आप को खत्म करना बहुत आदमी है जो अपने छात्र द्वारा कर दिया कि बिना के मेरे को चाहे यूपी हो बिहार हो दुनिया का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो कोई छात्र किसी को बड़ा नहीं किया है। पटीदारे पटीदार के रहते जा दूसरा गाँव के लोग न जाए भाई भाई के दुश्मन होला कई तरह जब भाई भाई के दुश्मन हो तो मजा कहीं अलग जिंदगी में आप अपने बेटे को बड़ा करिए, आप अपने अस्तित्व को पहचानिए। एक तारीख को आपको कैंची पे ही नहीं आपके बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, आपके बच्चों के स्कूल के लिए वोट करना है। तो हाँ भाजी पढ़ावे आपकी बहुत बहुत बढ़ाई तो हर घर का बढ़ा जाए जिंदगी में चलते हैं। मैं आप सबके बीच में जब हम हूँ या कौन भैया हूँ हम लोग जब आते हैं ना तो हमसे ज्यादा पावरफुल कोई होता ही नहीं, क्योंकि हमारे पीछे हम सबका ताकत होता है, आप सबका महत्व होता है। और जो बातें भैया ने बोली कि
किसी ने कहा था कि सेल्फी लेने के लिए लथुए खड़े हैं, उनको पता नहीं है आने वाली क्रांति है ये। और यही लथुए जो आपको लथुए दिख रहे हैं एक दिन आपके चाचा जान कर देंगे। नौजवान अगर नहीं है तो धरती का विकास नहीं हो सकता है। खेसारी को बनाने वाले नौजवान हैं हमारे माता बहन बेटी चाचा ताता पितिया जो भी हैं। हम अगर आए हैं आपके बीच में तो हम वोट मांगने नहीं, आपका आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि आप सबने हम दोनों को आशीर्वाद देकर बड़ा किया और उसी आशीर्वाद के लिए। नहीं तो इस कड़ी धूप में आप लोग इतने प्यारे लोग हैं, इतने प्यारे मोहब्बत के साथ आप खड़े हैं, हम समझ सकते हैं कि 47 डिग्री अंग्रेजी बोल रहे हैं 47 डिग्री आज आप सोचिए कि पूरे दिल्ली ही नहीं पूरे इंडिया के नेता काराकाट में क्यों आने की जरूरत पड़ी सिर्फ दिलीप कुमार के लिए। इन्होंने कलाकार को बुलाया और मुझे नहीं लगता कि काराकाट क्षेत्र में इतने कलाकार आज तक कभी आए हैं और इतने कलाकार को आपने देखा भी नहीं होगा और इतने सारे नेताओं को भी नहीं देखा होगा कभी। लेकिन एक पवन सिंह के आने से काराकाट लग रहा है ना कि महोत्सव की तरह हो गया है। यहाँ मेला लग रहा है हर दिन, ये दिन यहाँ कोई भी फंक्शन होगा तो काराकाट के लिए खेसरिया आज से फ्री। आपके मनोरंजन के लिए, आपके खुशी के लिए और सबसे ज्यादा खुशी इस बड़े भाई की खुशी के लिए, ये आदमी सच में राजा है भाई। इतने बड़े माहौल में इतने बड़े आदमी से लड़ना आपको कम समझ में आता है। अगर इस आदमी के पास ताकत आप सबका नहीं होता तो ये अकेला हो जाता था, लेकिन आप सबका ताकत जिसके पास होता है ना भैया, उस जिंदगी का सबसे बड़ा राजा होता है।